और इन्हीं के सवाल के जवाब में रेफरी साहब के दाएं हाथ की तरफ में कम बंधेर बदन का ढीला रन बोला हवादार पहलवान हल्की दाढ़ी रखते रही लाल मिट्टी झांझा में ये है बाबा रविशंकर दास पहलवान हनुमान कली अयोध्या अनाथ है। और देखिए बाबा जी का कहना है कि मेरी ये कुश्ती हो चुकी है 7 मिनट अभी ये कुश्ती कराइए चलिए 7 मिनट में तो 7 कर्म हो जाता है हाँ लिख कराइए ना इनका ही एक देखो खानदान का असर दिखने लगा देखा ले अरे आपको नहीं बोल रहा मैं उधर बोल रहा उसको बोल रहा ले क्या क्या है अच्छा चले मारने वाले का नाम होता है शेट करने वाले का नाम होता है दोनों के हरियाणा के बीच में अब तक का बराबर का संघर्ष चल रहा है ज्यादा सिंह कहां थे भैया आपके पापा क्या बात बोलो बोलो साउंड के सामने खड़े हैं थोड़ा हट जाइए उसका आवाज एकदम यहाँ नहीं पहुंच रहा तब रहा पूरा बोल दो 5 मिनट पैसे दे रहे हैं अभी 3:30 बजे ट्रेन है बहुत अच्छी अनु भैया बहुत अच्छे भैया 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 देख रहे हैं पहलवान मैं देख रहा हूँ लेकिन ये हाँ चलो अभी सही है ये राजस्थान वाले पहलवानी ये करते तो अभी पूरी ईमानदारी के साथ आप पता भी नहीं पाए क्योंकि जरा से चूक गए पकड़ने में तो पूरा ईमानदारी से मिलेंगे थोड़ा इतना सा आगे जाए बेमानी हो गया हाँ जी देखो चलो ठीक है बेमानी होगा तो तुमको चिल्लाए तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती देखो देखा कमर के ऊपर जा रहा है ये देखो कमर के ऊपर जा रहा है टूट जाएगा भैया अरे कुछ नहीं टूटता यार दिखाओ भाई इसको क्यों छुड़वा रहे यार तुम यार चलो काम करो हाँ चलो बहुत अच्छे बीच में ए पहलवान बीच में अरे आप तो छोड़ो भाई फिर ये हेलो शांति का परिचय दे बहुत ही अच्छी कुश्ती हो रही है राजस्थान और अयोध्या के बीच में बहुत ही अच्छा शानदार कुश्ती चल रही है इस समय राजस्थान का पहलवान अपने चित्त करने के प्रयास में लगा हुआ है लेकिन बाबा रविशंकर दास पहलवान अपना बहुत अच्छा बचाव करते हुए ऐसे लेते हुए हैं जैसे अपनी चौपाल में कोई चिंता नहीं रविशंकर पहलवान का कहना है कि ए राजस्थान के पहलवान हमें चिंता नहीं अपनी हमें चिंता तुम्हारी है और हमारा रक्षा करने वाले तो कृष्णा मुरारी चक्रधारी है आप लोग ताइयों के लिए हाथ में साबित करिए देखिए बाबा रविशंकर दास पहलवान की दूसरी कुश्ती चल रही है बहुत अच्छा क्या कुश्ती चल रही है देखिए आमने सामने दोनों पहलवान नौजवान पहलवान जवानी से जवानी टकराते हुए और बहुत ही शानदार कुश्ती चल रही है देखने को तो देखा होगा आप लोगों ने हजारों बंदर पर मेरा दावा है ऐसा नहीं देखने को मिलेगा बंदर मेरे नौजवान साथियों ये हमारे माननीय नंदू प्रसाद गोस्वामी प्रधान जमुना कला जो हमारे दंगल के अध्यक्ष है हमारे संजीव तिवारी जी हीरा नेता भाजपा और हमारे अंकित श्रीवास्तव हीरा कार्यकर्ता और हमारे जो है कैलाश नाथ दुबे जी कोतवाल जी और हमारे माननीय राम सूरती शेख जी का देन है जो इतना बड़ा
विराट कुश्ती दंगल हो रहा है। छोड़कर पहलवान छोड़ दीजिए, बाहर जोर लगाने से कोई फायदा नहीं है बाहर जोर लगाने से। बोलो पहलवान छोड़ दे, ये मान जाइए। अरे यार महिला पहलवान उधर तो दुख के मारी हुई बैठी है यार, छोड़ दीजिए। आइए बाबा जी, ये तय नहीं है कि कौन सीना फाड़ सकता है। और मुझे तो देखना है इस जनमहा की धरती पर कौन पहलवान झंडा गाड़ सकता है। जवानी से जवानी टकराते हुए दोनों पहलवानों की मेरे बाबा क्या कुश्ती चल रही है। और देखिए दोनों पहलवान लहू लहान हो चुके हैं। एक तरफ लाल जांघिया में बड़ा रविशंकर दास पहलवान है जो क्या हनुमानगढ़ी, और नीली जांघिया में यह है राजस्थान श्री गंगानगर राजस्थान का पहलवान। इस गांव का नाम है भालू का गांव है। हाय हाय हाय, जरानी चक्कर काट गई, कोई कुश्ती नहीं हुई। चलिए बीच में आइए, यही अगर तिहाती दंगल होता तो मार हो जाता, कहते कि हम जीत गए भाई। मां देखिए शांति बनाए रखे, बहुत ही शानदार कुश्ती चल रही है दोनों पहलवानों के बीच में, जवानी से जवानी टकरा रही है। बहुत अच्छा, इस गांव का नाम है, इस गांव का नाम है भालू कस्बा। देखिए बारह में भालू कस्बा पकड़ रखा है, राजस्थान के पहलवान जो आए हैं। देखिए कहां से क्या हो गया, कुछ कहा नहीं जाता है। क्या कुश्ती चल रही है दोनों पहलवानों के बीच में, बीच में लाइए खेल गई। आइए, अगर कुश्ती का फैसला हो जाता तो हाई कोर्ट में अपील नहीं होती। आइए, बहुत ही शानदार कुश्ती चल रही है दोनों पहलवानों के बीच में, एक तरफ राजस्थान और दूसरी तरफ शांति बनाकर के दंगल का आनंद ले। बाद इस समय बाबा रविशंकर दास पहलवान को चुप करने के प्रयास में कोई किसी से कम नहीं है, फिर जाए तो कोई कम नहीं। गुरु हटी आगे से, ऊपर का पहलवान चीत है, नीचे का पहलवान अपना बचाव करे। शाबाश, बहुत ही अच्छी कुश्ती चल रही है दोनों पहलवानों के बीच में। आपका जबरदस्त मुकाबला आप लोगों के बीच में चलता हुआ, और देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो दिवसीय विराट कुश्ती दंगल का पहला दिन शुभारंभ हो चुका है, और एक से बढ़कर एक कुश्ती आप लोगों के बीच में चलती हुई। आप सभी लोग शांति बना करके दंगल का आनंद लेते हुए बहुत ही जबरदस्त मुकाबला दोनों पहलवानों के बीच में, आपका जबरदस्त मुकाबला आप लोगों के बीच में चलता हुआ, और आप सभी लोग शांति बना करके दंगल का आनंद लेते हुए। ये आप लोगों का सौभाग्य है और यहाँ की दंगल कमेटी का देन है, जो इतने बड़े बड़े पहलवान इस धरती पर उपस्थित है, और सभी लोगों का आप लोगों के बीच में दंगल चलता हुआ आप सभी लोग देखते हुए। आपके साथ
बोलिए ग्राम देवता की भैया डीजे मास्टर अगर लगाना है तो हनुमान जी से संबंधित लगाओ, महाराज जी के कुछ चीजें नहीं है यार। बहुत अच्छे, शाबाश। बीच में दोनों पहले आप जम के लिए जीवानी करो, पानी चिल्लाओगे मगर पानी नहीं पाओगे जब तक इस जंग के मैदान में लड़। उसके बाद में तो हमारे बंगल अध्यक्ष और बंगल कमेटी के लोगों का कहना कि पहलवान दूध का बनाया चलवा दूंगा, फिर वह बांध के पी लेना जितना भी दिल करेगा। जागीदारी के साथ दुश्मन के सीने पर के हाथ रुक नहीं सकता, अरे सर तो कर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। बहुत अच्छे, बीच में आधा इधर बीच में बैठ जाइए आप लोग।